मैंने मेडल भी लगा रखा ना। गुजरात सरकार को मैंने एक आरटीआई की थी कि गुजरात के जो वीर जवान शहीद होते हैं उसको उसको गुजरात सरकार जो है सिर्फ 50,000 और 1,00,000 रुपया देती है, जबकि अन्य राज्य के अंदर ये राशि जो है 50,00,000 से 1,00,000 है। तो मेरी मांग ये है कि गुजरात गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर गुजरात मैं गुजरात के अंदर गुजरात में ये अन्याय क्यों हो रहा है? अगर मेरी मांग गलत है, मेरी मांग गलत है तो मुझे फांसी पे लगा दिया जाए। मेरी मांग अरे साहब आई राज है जो राज है प्रमाण आर्मी मैन ने हलमा अटकाया था। आर्मी मैन नहीं चाहूंगा, आप मेरे को 2 मिनट टाइम दे दो। ये सबके लिए है, मेरे ये सबके लिए है। देखो गुजरात के जो जवान शहीद होते हैं उसके साथ में अन्याय क्यों होता है? अगर ये लोकतंत्र है, मुझे पूरा बात करने का अधिकार है। मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे साथ कोई संगठन है। साहब मैं एक फौजी हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। सुन लीजिए, आप जो है ये अन्याय नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये अन्याय नहीं कर सकते। तिरंगा नो अन्याय था, मैंने कोई गलत काम किया तो मुझे बताइए। नहीं, वो मेरा तिरंगा है, वो किसी का नहीं है, वो मेरा तिरंगा है। हाथ नहीं लगाएगा कोई इसको, हमारा भी वो तिरंगा कमी लोग नहीं है मेरा, हमारा भी भारतीय सेना के जवानों के साथ अन्याय हो रहा है और खड़े खड़े तमाशा देख रहे हूँ जवानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है अन्याय? आप मुझे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ शहीदों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? तो नहीं, मैंने क्या गलत काम किया है? कुछ नहीं, मुझे पकड़ने में आ गए आप लोग। अगर मेरे को पकड़ना है, कोई आपके पास अरेस्ट वारंट है, कुछ है, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? आरटीआई मेरी है ना, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सर। नहीं सर, बैठ जाओ प्लीज। आप एक काम करो, भगत सिंह की जगह पे मुझे भी फांसी लगा दो। मुझे फांसी पे लगा दो, मैं रोड पे जाके मर जाऊंगा, अभी फांसी लगा दो मुझे, ठीक है? नहीं सर, साहब आपके सम्मान के साथ आपको बिठाते हैं। सर मैंने क्या गलत किया? ये पब्लिक है, इसको चार चार पकड़ के बिठा रहे हो, सम्मान है सर, आप बता दो। अरे पर 5 मिनट दे दो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो।